हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज और मैं आयशा यासीन। आज का टॉपिक ही बहुत यू नो इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस ड्रामे का नाम है पागल खाना। पागल खाना डेफिनेटली अगर है और उसमें सबा कमर है द लीडिंग एक्टर, तो हम लोग समझ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी दिस कैन बी। बिकॉज या एंड ऑल्सो द सिंगर इज राहत फतेह अली खान साहब, वन ऑफ आवर फेवरेट सिंगर, एंड इस ओएसटी का नाम है जोगनिया। ओके, आई थिंक ये कब 29 जैन से स्टार्ट हो चुका है ड्रामा, सो आई थिंक हाफ ऑफ द सीजन इज डन, एंड दिस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, बिकॉज आई थिंक दिस कैन बी इंटरेस्टिंग वन, नॉट ओनली द ओएसटी ऑल्सो द ड्रामा। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, और डिटेल्स हमने दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Nashad is the composer. Oh, I know him. Okay, known faces. Because I think इनको भी मैंने सुनो चंदा में देखा। Okay, I think Saba Kamar has a problem here. Is she playing a shady character or what? सब पागल खाने में है क्या? बहुत से वेल नोन एक्टर्स हैं ना इस ड्रामे में। या ओ Oh my god, look! Ah!
दिस द स्टोरी ऑफ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स. और आधे से ज्यादा कैरेक्टर अभी पागल खाने में थे. हाँ हाँ. वो हर तरह से हर किसी से इन्वॉल्व है. से कमर नशाद साहब इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट इन इंडस्ट्री. उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो बोल होते हैं, दैट इज अमेजिंग. बहुत ही कैची है. लाइक दिस इज काइंड ऑफ अ सैड मेलोडी. बहुत ही अच्छा लगा सुनने में. वेरी 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 मीनिंगफुल वर्ड्स यूज्ड. एंड या राहत फतेह अली खान साहब का अलग ही अंदाज है उसको प्रेजेंट करने का. वन द वे ही सिंग. And I think it was a very nice song. जो कि I think loop पे चल सकता है. And nice. I think हम लोगों ने इसको, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ ड्रामा आ रहा है, which is very interesting. And I must say सबा कमर is one of those actors जो कि I think बहुत different subjects select कर रही हैं वो, because हम लोगों ने recently एक ड्रामा पर उनके OST पर react किया था, that is Serial Killer, which was a very different drama. And again, this is very different. And I think इनका मैंने और एक भी ड्रामा देखा है जो कि Z जिंदगी में कुछ आता है, नॉर्मल एजाज, दैट वाज अबाउट द ट्रांसजेंडर, एंड सबा कमर और एक नर्स जो सीरियल में दिखाए थे ना, दे वर आल्सो देयर इन द सीरियल किलर. तो इस द सेम एक्टर एंड द नर्स. हां. अच्छा. तो यू रिमेंबर सम लेडी हु वेयर्स हील्स एंड देन फिर वो एक लेडी पकड़ी जाती है, एंड दैट्स द सेम लेडी हु इज playing the role of a nurse. Achha, here. Achha, I didn't notice that. Did you relate? Sure. I noticed the nurse because she's there, like, you know, she's present in between all the characters. All the characters. Whenever there's a transition between a character's normal behavior and then wo aa rahe hain pagal khane mein, and then their uniforms and like their dressing, everything is changed, and then you see the nurse there. So I feel like she is like evolved with everybody, like all the characters in the drama. So I feel like, I personally feel is Saba Qamar is madly in love with the actor, but then he's trying to play around with her. He's also interested in other women, and that's like, you know, so that's leading to Saba Qamar's pagalpan. It's my point of view. Maybe yours is different and others is different. But मैंने वो नहीं सोचा कि why, but I want to know कि how these guys all are related and how these guys, like जब हम लोग clips देख रहे थे, so ये कहीं जगह में दिख रहा था कि हर character एक दूसरे से involved है. हाँ. But how they all involved and how they are all in पागलखाना now, मतलब हो क्या रहा है. एंड आई थिंक कोई एक बंदा जो कि मैंने आई थिंक उनको राजा करदी में देखा है, the tall guy. I think he is a doctor there or something, because वो खासकर उनके जो भी clips हम लोगों ने देखे हैं, that is in the hospital, मतलब पागलखाना. और at the last I think even he is behaving mad. So maybe वो भी बाद में आ रहे हैं. But is this a love story between the patients and the doctor, or is this or a love story between yeah, it's love story between people and they end up going mad, like कुछ love story नहीं बन रही है, and they ultimately they're going to the पागलखाना and ending up being mad. There can be lot of things, there can be lot of predictions happen, but yeah, overall it was very interesting video and interesting OST was very nice. Definitely sung by the legend. And I think unka competition koi hai nahi, you know, because he is very good singer. And
उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज कभी कभी लास्ट आई थिंक एक ओएसटी के हम लोगों ने रिएक्ट किया था राहत फतेह अली खान साहब का, एंड आई वाज सेइंग कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद दैट बिकॉज वी हैड अ हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड देन वो उतना हियर इट वाज समथिंग लाइक दैट बिकॉज यू नो जो ये जो तेरी दीवानगी का है इट रिलेटेड टू अदर ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ हिम बट अगेन इट वॉज अ वेरी डिफरेंट, मतलब थोड़ा बहुत तो डिफरेंट था और उसकी वजह से यू नो उसका वाइब बहुत डिफरेंट, इट वॉज वेरी डिफरेंट the vibe and I loved it and lyrics bhi bahut hi zyada catchy the, they were like very simple words but bahut hi zyada catchy the. I think Kamar Nashad sahab is definitely unka bahut sare aise jane mane OSTs hain jahan par unka naam dikhai deta hai mm-hmm. so definitely agar aise they you know one of my favorite writer mm-hmm. In Pakistan industry which is who is Khalilur Rahman Kamar sahab acha okay अगर मुझे पता चलता है कि ही इज़ द राइटर ऑफ द ड्रामा सो मैं ना बिना एक्टर के कौन एक्टर है क्या है मैं बिना किसी चीज़ को देखे मैं ड्रामा देख सकता हूँ एकदम कॉन्फिडेंट कि ये जबरदस्त बहुत ही बढ़िया ही इज द राइटर ऑफ मेरे पास तुम हो ही इज द राइटर ऑफ प्यार के साथ के प्यार का प्यारे अफजल ऑल द लेजेंडरी ड्रामा सो ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड of the industry. So, you know, Rahat Fateh Ali Khan sahab se bhi wahi umeed hoti hai. And I think Kamar Nashad sahab is also one of the singer ki wo agar write lyrics hai to unko hame pata chal jayega ki he would have done a good job. And aadhe se zyada log specially jab bhi Rahat Fateh Ali Khan sahab ka like koi bhi OST aata hai they do not miss out on watching the drama. Yeah, yeah. That itself is enough to watch the drama. He's one of those names jo ki you know koi ek naam hota hai ki jo agar kisi project se jud jaye to audience khinchi hua jata hai. So most of the time wo jata hai actors ke upar. But he is one of those singers ki inka naam jud jane se I think singer ko dekh ke bhi log attract hote hain. So yeah. So yeah, Joganiya, this was our reaction on Pagalkhana OST, Joganiya, and we loved it. We liked it. Yes. So jaane se pehle channel ko subscribe kijiye, notification bell ring kijiye for more entertainment, follow us on Instagram, Facebook and Twitter. Aur details humne di hai. This is Mohan Chavez. Aisha Yasin, we are signing off.